जय हिंद दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। दोस्तों जब कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया था और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को फुल बहुमत मिला था, उस टाइम कर्नाटक के मुसलमानों ने और देश भर के मुसलमानों ने कहा था कांग्रेस पार्टी से कि कर्नाटक में मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए कर्नाटक के अंदर उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाया जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी बने और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बने। पर दोस्तों कर्नाटक के की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उप मुख्यमंत्री मुसलमान को तो नहीं बनाया, पर विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर मुसलमान को बना दिया गया, जिनका नाम है यूटी कादिर। तो सर यूटी कादिर 5 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं और नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। आखिर पूरी खबर क्या है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल कर भाजपा का सामना हार से करवाया है। 20 मई को सिद्धरमैया ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद खबरें थी कि कोई भी शख्स राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं था, लेकिन बुधवार को खबर मिली कि पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक कादर साहब की इस्तीफाक राय से मंत्री बन चुके हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के 5 बार के विधायक यूटी कादिर बुधवार को सर्वसम्मति से कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कर्नाटक विधानसभा का अध्यक्ष बनने जा रहे 53 वर्षीय कादर इस पद की जिम्मेदारी संभालने वाले पहले मुस्लिम नेता होंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अध्यक्ष पद के लिए कादर के नाम का प्रस्ताव रखा और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसका समर्थन किया। पद के लिए कोई अन्य दावेदार नहीं था। दोस्तों ये तो यूटी कादिर विधानसभा अध्यक्ष कर्नाटक के बने हैं, ये सर्वसहमति से बने हैं, यानी बीजेपी जेडीएस कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने इनका समर्थन किया है और इनको विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर बना दिया गया है। और ये पहले यूटी कादिर पहले मुसलमान है, पहले मुस्लिम है जो कर्नाटक की विधानसभा में स्पीकर बने यानी अध्यक्ष चुने गए हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने सभी कास्ट का और सभी धर्मों का ख्याल रखते हुए अपने मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अध्यक्ष को इस तरीके की यानी सभी को खुश करने के लिए, सारी कास्ट को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ दिया है। किसी को मंत्री बनाया है, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया है, अब मुस्लिम को भी दोस्तों अध्यक्ष बना दिया है विधानसभा का। इस पर आपकी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।